खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 इस वक्त टीवी पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला रियलिटी शो बना हुआ है। इस सीजन में खतरनाक स्टंट के साथ साथ खतरनाक लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं अभी शो की दो फीमेल कंटेस्टेंट के बीच जबरदस्त बहस होती नजर आई है। आपको बता दें, इस बार शो में पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह और बिग बॉस फेम अर्चना गौतम भी देखने को मिली। लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों हसीनाओं में कैट फाइट शुरू हो गई है। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर अब इनकी जंग देखने को मिल रही है। ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने और खरी खोटी सुनाने में इतनी बिजी है कि शायद ये भूल गई कि सोशल मीडिया पर इनका तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर जो कड़वाहट है वो सबके सामने आ गई है। वहीं लोग भी इस लड़ाई के मजे लेते नजर आ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों सरेआम एक दूसरे को पंजा मारने लगी, तो आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में डेजी ने अर्चना को लेकर कहा कि उन्हें अर्चना गौतम एंटरटेनर नहीं लगती और उसकी आवाज़ से उनके कान से खून निकल आता है। वहीं अब अर्चना ने डेजी के इस वीडियो को शेयर करते हुए अपना रिएक्शन दिया और लिखा, बोल भी कौन रहा है फ्लॉप मूवीज की हीरोइन, खुद कर लिया होता ऐसा एंटरटेनमेंट तो आज पता नहीं कहाँ होती। अर्चना ने आगे लिखा, दो बार एलिमिनेट किया है ना, इसलिए डेजी शाह नाराज है मुझसे। कोई बात नहीं बाबू, ये शो है और इसमें एंटरटेनमेंट करके और टास्क करने पर ही चैनल पैसे देता है। जस्ट चिल बाबू, इंडिया मुझसे बहुत प्यार करता है। इसके अलावा अर्चना पर गुस्से वाली इमोजी शेयर करते हुए लिखती है, तूने क्या किया ये बता, इतने साल से इंडस्ट्री में है तू। आपको बता दें, इसके बाद अर्चना ने स्टोरी में एक वीडियो भी शेयर करते हुए कहा है, देखो उंगली मत करना, नहीं तो मैं हाथ कर देती हूँ, इसके बाद कुछ ज्यादा ही सच बोल देती हूँ मैं। वहीं दूसरी ओर डेजी शाह भी सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा नोट लिखकर अपना गुस्सा दिखा रही है। हालांकि उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, मगर बातों बातों से साफ हो गया कि उनका इशारा किसकी ओर है। डेजी ने अपने पोस्ट में लिखा, हर किसी का चीजों और लोगों को पसंद करने का अपना अपना तरीका होता है। अगर मुझे किसी का मजाक उड़ाने और लोगों को भड़काने का तरीका पसंद नहीं है तो मुझे पसंद नहीं है। शो में स्टंट करते समय एक शख्स का दूसरे के लिए अनादर की मात्रा बहुत ही मूर्खतापूर्ण थी। चैनल आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। बहुत से फैक्ट तो शो से एडिट करवा दिए जाते हैं। इसके बाद भी डेजी ने एक और स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, अगर आप क्लास और क्रास के बीच अंतर समझते हैं तो मेरे लिए आपके रिस्पेक्ट है। अब दोनों के बीच चल रही इस लड़ाई को देख सोशल मीडिया यूजर्स भी मजे लेते नजर आ रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने में पीछे नहीं हट रहे। ऐसे में फैंस को भी काफी मजा आ रहा है। वेल, हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिखर जैन पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।